यो व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल चाल। मेरा नाम है अनीश एंड आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ वैलोरेंट। आपको CS:GO तो पता ही होगा, सो इमेजिन कर लो कि CS:GO एंड ओवरवॉच हैड अ बेबी। दिस इज व्हाट वैलोरेंट इज। वैलोरेंट इज अ FPS, मतलब फर्स्ट पर्सन शूटर गेम विच नीड्स एमिंग स्किल्स एंड गन स्किल्स। ये गेम रॉयट कंपनी ने बनाई है, द सेम कंपनी जिसने लीग ऑफ लेजेंड्स बनाया है। वैसे देखा जाए तो CS:GO की सारी पब्लिक इस गेम में घुस चुकी है, कॉज भाई यू जस्ट नीड एमिंग स्किल्स एंड गन स्किल्स। और अगर आपने इस गेम के एजेंट्स की एबिलिटीज़ और सब को मास्टर कर लिया तो भाई देन यू विल बी अ गॉड एट दिस गेम। अब आते हैं बैटल पास की तरफ। इस गेम में बैटल पास भी है। इस गेम का फिलहाल इग्निशन एक्ट 2 चालू है। इफ़ यू वांट ऑसम रिवॉर्ड्स बाय द बैटल पास फॉर $10 एंड आपको विदाउट बैटल पास खेलना है तो आपको फ्री रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। इस गेम में दो डिफरेंट साइड्स होते हैं, एक तो है अटैकर एंड दूसरा डिफेंडर। अटैकर्स को एक स्पाइक दिया जाता है जो उनको साइड पर जाकर प्लांट करना होता है, एंड डिफेंडर्स बेसिकली हैव टू स्टॉप देम फ्रॉम प्लांटिंग, या फिर अगर प्लांट हो गया रहेगा तो डिफ्यूज कर सकते हैं एंड डिफेंडर्स कैन विन। फर्स्ट वन टू गो टू 12 राउंड विन द गेम। गेम मोड के बारे में बोला जाए तो इसमें बहुत गेम मोड्स है। आपको इसमें कंपेटिटिव भी मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपको गेम मोड जैसे कि डेथ मैच एंड स्पाइक रश भी मिलेंगे। रॉयट इस गेम को कॉन्स्टेंटली अपडेट्स देते रहता है, जैसे कि न्यू स्किन्स ऐड करना, एंड रिसेंटली उन्होंने न्यू एजेंट भी ऐड किया है। यहाँ पर आपको 4 डिफरेंट टाइप्स के मैप्स मिलेंगे विद देयर ओन यूनिक फीचर, जैसे कि इस वाले में है टेलीपोर्टर्स एंड इसमें है ए और बी साइड के साथ सी साइड भी है। इस वाले में है गेट्स एंड दे कैन बी ओपन एंड क्लोज, एंड इसमें है रोप्स। आई एम श्योर कि फ्यूचर में नए मैप्स भी आएंगे एंड न्यू एजेंट्स भी आएंगे। दिस गेम हैज़ 3 फेजेस। फर्स्ट फेज इज जहाँ आप गन्स खरीद सकते हो, एंड ऑफकोर्स द फर्स्ट राउंड विल बी अ पिस्टल राउंड। सेकेंड फेज इज़ अ गन शूटिंग फेज, जहाँ पर आपको फायर बॉल, स्मोक्स, चाकू फेंकना एंड वन टैप हेडशॉट्स देखने मिलेंगे। एंड थर्ड फेज इज जीतने या हारने के बाद आपको टाइम दिया जाएगा बाकियों के गन्स उठा के उनको नेक्स्ट राउंड में लेके जाने को। देर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स अबिलिटीज, जो कि उनमें से 2 आप राउंड के स्टार्ट होने से पहले बाय कर सकते हैं, एंड एक तो आपको परमानेंटली रहेगी। आफ्टर यू यूज़ दैट परमानेंट अबिलिटी वो एक कूल डाउन पर जाएगी, एंड आफ्टर दैट कूल डाउन आप फिर से वो अबिलिटी यूज़ कर सकते हो। कोई कोई एजेंट्स के लिए वो अबिलिटी ऐसी काम करती है कि आप एक बार यूज़ करने के बाद आपको अगर 2 किल या 3 किल मिलते हैं तो वो अबिलिटी फिर से रिचार्ज हो जाएगी। एंड फोर्थ अबिलिटी आपकी है आपका अल्टीमेट। दिस यू कैन नॉट बाय इट, आपको इसके लिए किल्स लेने पड़ेंगे एंड राउंड्स जीतने पड़ेंगे। एंड इफ यू प्लांट और डिफ्यूज अ स्पाइक, आपको एक अबिलिटी पॉइंट मिलेगा आपके अल्टीमेट के लिए। एंड मैप्स में 2 जगह पर अल्टीमेट पॉइंट्स है, अगर आप उसको कलेक्ट करेंगे तो आपको एक अल्टीमेट पॉइंट मिलेगा। राउंड जीतने पर एंड किल्स लेने पर आपको क्रीड्स मिलेंगे, जो है इस गेम की इकॉन यानी इकोनॉमी, जिससे आप नेक्स्ट राउंड के लिए अच्छे और बढ़िया गन्स खरीद सकते हो। अब बात करते हैं एजेंट्स के बारे में। आप एजेंट्स को गेम स्टार्ट होने से पहले ही सिलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली डिफरेंट एजेंट्स हैव डिफरेंट एबिलिटीज़। एक एजेंट ऑफेंसिव खेलेगा तो दूसरा डिफेंसिव। ऑफेंसिव जैसे कि उसके एबिलिटीज़ में स्मोक एंड टेलीपोर्ट्स ब्ला 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 वो सब है, एंड डिफेंसिव मतलब कि वो हील कर सकता है एंड ही हैज़ कैमराज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अकॉर्डिंग टू योर प्ले स्टाइल आप अपना एजेंट चूज़ करके उसको मास्टर कर सकते हैं। ऑफकोर्स यू नीड सम गन स्किल्स टू प्ले दिस गेम। सो या एजेंट्स की अबिलिटीज़ कहाँ एंड कैसे बेस्ट यूज़ करना, ये समझना थोड़ा सा
ट्रिकी है। सो आने वाले वीडियोस में मैं सारे एजेंट्स की एबिलिटीज़ धीरे धीरे ब्रेक डाउन करूँगा एंड आपको बताऊँगा कि आप उस एजेंट्स की एबिलिटीज़ कैसे एंड कहाँ पर बेस्ट यूज़ कर सकते हो। सो भाई वीडियोस देखते रहो एंड लाइक ज़रूर करना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट।